आज की जो हमारी क्लास हाय गाइस, वेरी वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका दिवाली ब्रेक बहुत धूमधाम से गया होगा और कुछ लोगों ने एग्जामिनेशन में भी बहुत पटाखे चलाए हैं, ऐसा मुझे पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी आवाज आ रही है आई थिंक सबको मेरी, है ना, क्योंकि आई हैव जस्ट टेस्टेड इट हियर, है ना, इट्स नाउ वेल। हाँ जी, वी आर लाइव हियर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ऑन आर ऐप ऑल्सो, ऑन डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑल्सो, सारे सेक्शन में अभी हम एक साथ लाइव है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी, मुझे लगा आज एक ही बार में कर लेते हैं। दिवाली के बहुत सारे पटाखे आप लोग चला चुके होंगे और इन पटाखे चलाने के बाद आप सभी को अब टाइम आ गया है कि हम लोग यहाँ पे आ जाएं और हम लोग अब अपना काम वापस से शुरू कर दें। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, आफ्टर दिवाली वन वीक हो गया है। तो लेट मी टेल यू, जैसा कि आप लोगों को पता था, आफ्टर दिवाली में हम लोग यहीं थे, पूरा दिवाली ब्रेक में हम लोगों की क्लासेस हुई थी। एंड यहाँ पे शारिक जी बोल रहे हैं कि 90 तो पक्के हैं, पक्के 90 नहीं है तुम्हारे, 96 पक्के हैं, जो तुम्हारी बात हुई थी हमारी आज, है ना, लास्ट में आपके 96 पक्के। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शारिक के इतने, और सिर्फ शारिक से नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो चुकी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन सब का यही कहना था कि मैम आधे से ज्यादा पेपर तो हमारा ऐसा लग रहा था कि मतलब हम वही वाले मॉक टेस्ट जो रोज दे रहे थे, वही मॉक टेस्ट, कुछ डिफरेंट लगा ही नहीं पेपर में। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स और इडियम्स का तो पता ही है, सोनी मैम की क्लास के बिना कहीं से नहीं आता है। तो वी आर वेरी 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 हैप्पी। और आगे आने वाले एग्जामिनेशन वाले भी सुन लो, क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस नहीं करवा रहे, लेकिन आपने अगर मेरी क्लासेस देखी है, अगर आप मेरे को ऐप पे देखते हो तो ऐप पे देखो, अगर आप मुझे यूट्यूब पे भी देखते हो तो मेरे जो स्टेनो के स्पेशल सेशन है, अभी के पुराने नए जितने भी सेशन है आप देख लीजिए, है ना, वो कैबुलरी भी देख लीजिएगा, जितना आप कर सकते हो उतना आप लोग कर लीजिएगा। जीके टफ था, यस एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जीके 2019-2020 का पूरा आया था, है ना, तो जीके थोड़ा सा टफ जा रहा है। रीजनिंग वही लेवल है जो एमटीएस में रीजनिंग का लेवल था, वही है। तो इंग्लिश ऐसे में आप लोगों को मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट बन गया गाइस, ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश आपको मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट बन गया, तो आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए, एक सेकेंड, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग एंड आई एम सर्चिंग फॉर दैट, एक सेकेंड आपको मैं बता दूं। हाँ देखिए गाइस, लिफ्ट, हाँ जी, चलो हम बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। प्रीवियस बेस पर थी वो कैब, एग्जैक्टली वो कैब पूरी की पूरी इडियम्स, वो कैब एक भी बाहर नहीं है, ए टू जेड क्लास से थी। थैंक यू शारिक फॉर दिस, कि मतलब यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देने के लिए, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा। हाँ एनीवेज, हम वापस आ जाते हैं। देखो गाइस, अगर आपने बहुत शिद्दत से क्लासेस लिए ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, चाहे वो कॉमन एरर हो, चाहे वो इवन पैसेजेस भी, एक पैसेज का पूरा एग्जैक्टली टॉपिक वही था जो हमने पिछले प्रैक्टिस सेशंस में किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज सिमिलर आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्लासेस के लिए, क्लासेस को शिद्दत से पढ़ना चाहिए, जिनके आगे एग्जाम है वो लोग भी। मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, पर जो क्वेश्चन आपका गलत जा रहा है उस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे सेशंस को देख लीजिए, टुकड़े 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 करके एक टाइम टेबल बना के, जैसा बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जिनके भी मतलब एग्जाम थे, बहुत मैंने पहले भी कहा था आपका जिस दिन एग्जाम है आप प्लीज बता दीजिएगा, आई विल पर्सनली टॉक टू यू। मैंने बहुत सारे बच्चों को आज कॉल करा, पूरा दिन मैंने आज क्लासेस इसीलिए नहीं ली थी क्योंकि आज मैं आ गई थी पर मुझे आप लोगों से बात करनी थी, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की सिर्फ ये जानने के लिए कि कैसा पेपर आ रहा है, उसी का फीडबैक दे रही हूँ। एनालिसिस हमें नहीं करना है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, लेकिन आप सभी के लिए बहुत जरूरी है कि लेवल आपको पता चल गया कि बिल्कुल वही क्लास वाला लेवल है। पीवाईपी बहुत अच्छे से करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं करवाती हूँ अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छा आप लोगों का हो जाए, ठीक है, ओके। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज के क्लास में लेकर आई हूं, तो मैं चाहूंगी आप लोग इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए। सॉरी, हाँ
हाँ जिसका जब एग्जाम है आप लोग मुझे 8764 वाले नंबर पे बताइए ना, 8764 वाला जो नंबर है मेरा, इसमें जरूर मैसेज करके बताइए कि मैम इस डेट को एग्जाम है, इस शिफ्ट में एग्जाम है, आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू। आई जस्ट वॉन्ट दिस कि हम एक एक का फीडबैक ले सके और हम हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं ऐप पे भी आप सारे मुझे देख रहे हैं, यहाँ यूट्यूब पे भी आप सारे मुझे देख रहे हैं, तो आप प्लीज डेफिनेटली डू दिस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हमारा आज का जो सेशन हुआ है, आज का जो एग्जाम हुआ है, सुबह के शिफ्ट वालों से सबसे बात हो गई, इवनिंग शिफ्ट वालों से किसी से बात नहीं हुई है, ठीक है। तो इवनिंग शिफ्ट वाले जो भी हैं, अगर कोई है इधर कुछ आ गया हो तो ऐसे ही बता दो मुझे, अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, ताकि कि हम लोग डिस्कस कर सके उसको, ठीक है, और हम एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हाँ, कुछ सेशंस है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने स्टेनो का पूरा वोकैबुलरी करवाया हुआ है, तो आप पूरा वोकैबुलरी पूरा देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने ग्रामर का जो कॉमन एरर का सेशन है वो देख लीजिए, उससे पूरा ग्रामर रिवाइज हो जाता है, मैंने सबको बोला था। और ये सारे वही बच्चे हैं जिनके बहुत बेटा 98% तक सही होना आपका एग्जाम में। दो क्वेश्चन में डाउट है, उन दो क्वेश्चन में डाउट है, उनमें से एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इनको बोनस मिलने वाला है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है जिसमें डाउट है, तो हाउ ग्रेट इट इज, कितना अच्छा स्टूडेंट्स ने किया है, ये पूरा फीडबैक है, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम है आगे, प्लीज मुझे बता दीजिएगा इस नंबर पे। अभी बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ के चैट से मैं बात नहीं कर पाऊंगी, आपको अपना नंबर भी देना पड़ेगा जिसमें मैं आपसे बात कर सकती हूँ, फोन नंबर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे सीधे। चलिए स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चंस को गाइस आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज, है ना। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। हाँ, आपकी जो क्लासेस हैं वो क्या सीडीएस के लिए हेल्पफुल है, एग्जैक्टली बेटा, कोई भी एग्जाम हो आपका सीडीएस एनडीए सबके लिए हेल्पफुल है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आते हैं। आई विल लेट यू नो, मैं आपको जो हमारा अभी विजेता बैच आ रहा है ना, आपको पता है उसमें मैं सीडीएस के क्वेश्चंस दिखाती हूँ खोल खोल, क्योंकि देखो ये आया था सीडीएस में, ये हमारी क्लास का क्वेश्चन है, हाउ सिमिलर दीज आर, ठीक है। हाँ, और सबसे पहले इंग्लिश करिए, एग्जाम आपका जब भी है जिस भी डेट को, सबसे पहले इंग्लिश करिए, क्यों, क्योंकि इंग्लिश आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि 100 मार्क्स तो हमारे पक्के हो गए। अब चलो रीजनिंग और जीके में अपना हाथ अपना लेते, क्योंकि जीके में या तो आता है या फिर नहीं आता है, तो हमारा सबसे अच्छा अटेम्प्ट होगा कि 100 क्वेश्चन हमने करके रख लिए, अब आगे का हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब बस करना ये है आप लोगों को, लाइक एवरीडे फटाफट स्पीडीली आंसर्स देने, सबको फटाफट आंसर्स दीजिएगा, बस ये कंफर्म करना है कि क्या आप इन क्वेश्चंस को, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो क्या आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एकदम बिना रुके बेधड़क आंसर्स देने सबको, ठीक है बेटा। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन ये रहा, व्हाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ये वो कॉन्सेप्ट है जो अभी एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, डू हो, डज हो, डिड हो, ये जो है हमारा, इन सब के बाद क्या होता है, हमेशा वर्ब लगता है, दैट टू वर्स्ट फॉर्म, है ना, और इस पे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई सा भी हो, ये लगा के एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बस इसको याद रखना है, इस कंसेप्ट को, डू हो, डिड हो, डज हो, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो बस ये फर्स्ट फॉर्म बनाना है, इसको ये उठा दो, बस हमारा हो गया वर्ब का फर्स्ट ही सही हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखो, सजेस्ट होता है, प्रपोज होता है, सजेस्ट होता है, प्रपोज होता है, इन सब के साथ क्या, कौन सा प्रपोज, प्रपोज, ठीक है, इन सब के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है, टीवी है या नहीं लगता है ये बता दो, ठीक है, जरूर से इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
राइट आज का कुछ बताओ कि कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ है, पेपर बहुत आसान था, इंग्लिश नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट बन चुका है, रीजनिंग और जीके आपको धोखा दे सकती है। तो ऐसे में इंग्लिश को ऐसा बनाइए कि वो 100 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 95 आपके हो, तो वो 95 मार्क्स सिक्योर कर ले, उसके बाद चले जीके और रीजनिंग में हाथ आजमाने, ठीक है? तो जरूर से ये काम करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं। हाँ, सजेस्ट और प्रपोज के साथ हमेशा टू लगता है, राइट? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम, हम डेफिनेटली मैच को जीत लेंगे इस बार। जीके का कोई भरोसा नहीं, इंग्लिश का 100% ध्यान रखिएगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नंबर दिलाने के लिए हर समय रेडी रहता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो हाँ जी, अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर देना, क्विकली क्वेश्चन पे एकदम ध्यान रखाइए, ठीक है? प्रिपेयर जाएगा, वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज़ आवर टीम हैज प्रिपेयर्ड। यस, अभी दूसरा कांसेप्ट है, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कांसेप्ट ये आता है, एक तो ये वाला है हैज प्लस वर्ब, थर्ड ये वर्ब का कांसेप्ट हो गया। एक एग्जाम में आता है ये वाला, has हमेशा सिंगुलर के साथ, have हमेशा प्लूरल के साथ, है ना? एक ये भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, आज भी पूछा गया होगा डेफिनेटली, ठीक है? तो ये सब वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जहाँ पे सिंगुलर है वहां पे प्लूरल, जहाँ पे प्लूरल है वहां पे सिंगुलर देके एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल लाइक दिस, ठीक है? तो वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज प्रिपेयर्ड। अब टीम है यहाँ पर, सॉरी, आज टीम है हमारा, टीम हमारा सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है ये? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है? 15 डेट एग्जाम का लेवल क्या टफ हो जाएगा? एग्जैक्टली नहीं, ये सब मत सोचे, कुछ नहीं टफ होगा, लेवल एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, बस ये रहेगा ग्रेजुअली, क्योंकि अब एनालिसिस नहीं हो रहा तो बहुत सालों को पता नहीं चलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है, अपना माइंडसेट बिल्कुल सेट करके जाएंगे कि हमने जो प्रिपरेशन किया एग्जाम में वही आने वाला, और एग्जैक्टली उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इफ यू आर कंप्लीटली रेडी, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बस उड़ाना है आपको, ठीक है? चलो आइए अगला क्वेश्चन। पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये देखो, पीपल से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि पीपल हमारा कैसा है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब हमारा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना? तो ये एकदम उड़ाने वाले क्वेश्चन है, उड़ाइए बेटा जी हर कोई। आप लोगों का ध्यान अभी पूरा इधर रहना चाहिए कि आप इस क्लास में पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन जो है वो उड़ा दें, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही होगा, और फटाफट फटाफट करो अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। हाँ जी, क्यों नहीं भाई, आपका वजूद क्यों नहीं है क्लास में, ऐसा क्या हो गया? बहुत अच्छा हुआ है स्पेशली इंग्लिश, थैंक यू सो मच, आई एम रियली हैप्पी कि स्टूडेंट सच में ये कह रहे हैं। तो आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए कि आप इंग्लिश को तो ऐसा रखें कि पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आपके सही हो इंग्लिश के, ठीक है? हाँ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन लाई हूँ मैं इसलिए ताकि एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ो और रिविजन हो जाए। रिटर्न के साथ बैक हमेशा सुपरफ्लूस होता है, बैक उड़ाओ, आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से पढ़िए, आंसर करिए, ठीक है? और जब अच्छा लगे तब लाइक करिएगा, पर फोकस अभी करिए कि आपका क्वेश्चन ठीक हो। अगला क्वेश्चन, आशीर्वाद मेरा आपके साथ है, आशीर्वाद से ज्यादा जरूरी आपका रिविजन है, आपकी प्रैक्टिस है जो आपके एग्जाम में काम आएगी, ठीक है? चलिए, कल एग्जाम में आशीर्वाद है, बस एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को वेल शेव करके जाना, बहुत अच्छे से हैंडसम तरीके से, अगर बॉय हो तो तैयार होके जाना, गर्ल्स भी अपने आप को वेल डेकोरेट करके जाएं, क्योंकि अच्छा कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में, ठीक है? अच्छे से जाइएगा एग्जाम देने, एकदम चिल होके, अच्छी ड्रेस पहनो, बहुत दिनों बाद बाहर जाओगे, है ना? बहुत दिनों बाद मौका मिलेगा, तो इस मौके को मिस मत करिएगा, टेंशन में तो बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ, ये राइट नाउ जो आ गया इसने इसके टेंस को पूरा
प्रभावित किया है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। टेंस जो है वो प्रभावित हो रहा है तो इज टॉकिंग, क्योंकि सेक्रेटरी सिंगुलर है इसलिए एचसीआईएस तो ठीक था, पर राइट नाउ हमेशा कॉन्टिन्यूअस का पार्ट होता है टेंस का। ये क्वेश्चन है, आराम से करने लायक है। आई डोंट नो किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट पढ़ो। शेव तो नहीं कर सकते हैं, पहचान ही नहीं पाएंगे वो। अच्छा, फोटो वाला चक्कर बिल्कुल मत करिएगा ऐसा काम, पर फिर भी अच्छे अच्छे से तो तैयार होके जाइएगा। चलो ठीक है। एवरी ईयर द फैमिली गोज फॉर अ पिलग्रिम। पिलग्रिम कौन होता है? पिलग्रिम इज तीर्थ यात्री, ठीक है। और हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ यात्रा, है ना, जो हम रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जो जाते हैं उन सबको तीर्थ यात्रा बोला जाता है, राइट। तो तीर्थ यात्रा जो होता है पिलग्रिमेज होता है, और गो फॉर हम जाते हैं, गो फॉर मतलब पर्पस, यानी गोइंग फॉर अ मीटिंग, गोइंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस, गोइंग फॉर शॉपिंग, लाइक दैट पर्पस बताया जाता है। तो गोइंग ऑन टूर, गोइंग ऑन ट्रिप, गोइंग ऑन एक्सकर्शन, गोइंग ऑन पिलग्रिमेज, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन आएगा और यहाँ पर पिलग्रिमेज आएगा, दोनों चीज इसमें सही है। इसको उड़ाओ, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है सबका, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब ये रहा, हर क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो एक वर्ड होता है रिलीजियस, सिनोनिम बताओ जल्दी से इसके। अभी रिलीजियस वर्ड मैंने बोला, इसके सिनोनिम बताइए। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। She will have to go to another school when she moves from here. ये है हमारा question tag. Question tag में क्या होता है? जो helping verb वहाँ पर दिया हुआ है, वो helping verb यहाँ पे लगा दो, ठीक है? अब यहाँ पे not नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर not आएगा, तो इसको भी कट कर दो। Will not को हम not के साथ कैसे लिखते हैं? Won't लिखते हैं, तो won't सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि 100% करेक्ट है, तो first इसका right answer हो जाएगा सबका, ठीक है? हाँ सेक्रेड है, होली है, डिवोटेड है, और बताइए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, स्पिरिचुअल है, और कुछ हो सकता है। चलिए भाई आज के स्टैंडो के क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगी ना, एनालिसिस नहीं करना, पर इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, पढ़ते जाइए, ठीक है। सेक्रेड, पायस, प्योर, और कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एशियन गेम से क्वेश्चन आया था। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? आई लुक्ड एनीवेयर मतलब कहीं भी, है ना, फॉर माई पपी बट कुडंट फाइंड इट, पर उसको पाया नहीं। पपी इज जो डॉग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। एवरीवेयर आएगा। सिनोनिम एंटोनिम कैसे थे, रिपीटेड और न्यू, आपको क्या लगता है? ये देखो रिपीटेड थे या नहीं थे, आप अपनी तैयारी पे देखो। अगर कोई भी वर्ड आप कर सकते हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, आराम से करिएगा, ठीक है। और पेपर बहुत अच्छा ही आता है आजकल, टेंशन बिना। समवेयर नहीं, एवरीवेयर, हर जगह ढूंढ लिया ना मैंने, पर वो मुझे मिला नहीं, है ना। तो हर जगह ढूंढेंगे, समवेयर थोड़ी, ठीक है। आई हैव लेफ्ट माई सेम, यही क्वेश्चन था उसमें, एवरीवेयर करना था क्वेश्चन। अरे आई एम सॉरी, मैंने किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ये मेरे वो है जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ। बच्चों से जब फोन पे बात होती है तो बच्चे बोलते हैं मैम एग्जैक्टली आपकी क्लास से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, ये देख लो। अब इसने बोला है अभी यही क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन में यही था। अरे आई एम सो सॉरी, देखो मैंने पेपर नहीं देखा ना, किसी ने मुझे बताया, ये तो मैं वो बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में भी ईजी था, वेरी गुड। सेकेंड शिफ्ट वालों से बात करूंगी रात तक, ठीक है। आइए इधर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिया, अरे वहां पे भी 8th था, यहाँ पे भी 8th थे। गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई आप? 100 में से 100 कर आए, वेरी गुड। इंडिया स्टडीज से पढ़ते हो तो हो ही जाएगा आराम से, और टेंशन वेंशन लेने का नहीं, आराम से मैं वही करवाती हूँ जो आता है एग्जाम में। ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग सेशन में भी है, मैं बता रही हूँ ना, जो मेरा लॉन्ग सेशन देख लिया है, जो मेरे सेशन को देख लिया, आपका एग्जाम में कल्याण हो गई। चलिए आगे बढ़ते। प्रिया हैज अ वेरी डैश नेचर,
एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेती है, कैसा है? हाँ जी, इंग्लिश का पेपर बहुत इजी था। अच्छा ठीक है, यहाँ से पढ़ोगे इजी लगेगा, आराम से। अच्छा आ रहा है इंग्लिश, तो ऐसा रखो 100 में से 100 ही लाने, बाकी को पेपर है जैसे जीके रीजनिंग, आप मतलब अंदाजा तो लगा ही नहीं सकते कि यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वहां भी मेहनत मशक्कत करनी है, यहाँ से मार्क्स बिल्कुल लूट लेने। इंग्लिश तो आपका ऐसा होना चाहिए कि फोड़ के, और एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ कोई बंदा आया था एग्जाम देने इंडिया स्टडीज से पढ़ के। ठीक है, हाँ कैसा नेचर है? बायस, इम्पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड, तीनों नेगेटिव वर्ड, इंडिपेंडेंट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अब पढ़िए क्विकली। एग्जामिनर जो होगा ना, जो चेक करेगा, खैर अभी तो कंप्यूटराइज होने लगे, तो उस कंप्यूटर को भी लग जाए, अच्छा सारे राइट है एक साथ, फटाफट फटाफट आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, ऐसे करके है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अ गुड टीचर इज द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन अ डैश वे। गुड टीचर, अच्छा टीचर वही होता है जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन कर दे इन अ डैश वे, बिल्कुल डैश वे में एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, डैश वे मतलब क्या हो गया? लेंदी, बहुत लंबा लंबा बता रही है, और राउंड अबाउट क्या होता है? ये सर्कमलोक्यूशन। क्या होता है इसका सिनोनिम बताओ, राउंड अबाउट का जल्दी सिनोनिम बताओ। और डिस्ट्रैक्टेड क्या होता है? डेविएटेड होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे, इजी वे में एकदम सीधे सीधे बोल दो, राइट आंसर आपका आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना, वही अच्छा टीचर होगा जो आपको एक मिनट में सारी चीजें बता दे, तो आपको भी लगेगा टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ है ना। तो पॉजिटिव एक ही वर्ड है, एक दो क्वेश्चन बता दो ये खुश हो जाएंगे। बताओ यार, एक दो क्वेश्चन के पीछे क्यों पढ़े हो? मैं पूरा पेपर बता रही हूँ, ये रहा पूरा पेपर, आज ये आया था। ठीक है, आपकी बात हो रही है, कहाँ पे? मैंने देखा नहीं मैसेज। हाँ जी सनी, बैक टू स्क्वायर एडियम होता है, मैंने बोला सिनोनिम बताओ, तो सिनोनिम भी बताना। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे सारे जो है ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, पर थोड़ा सा बताओ। सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन, रंजू आपका 15 को एग्जाम है ना, सर्पेंटाइन एक्चुअली ये होता है कर्विकल, जिसकी बॉडी होती है उसको कहा जाता है सर्पेंटाइन। जी नहीं, बैक टू स्क्वायर आया था, ओके वही लौट के बुद्धू घर को आए। चलो, एंथुजियाज्म का, अच्छा जील, ओके ओके, आई एम सॉरी, किसी ने आंसर बताया था मैंने देखा नहीं। हाँ हाँ ठीक है। चलो जल्दी से इनके दोनों सिनोनिम लिख दो, जील के, एंजाइटी के, कामनेस के, क्यूरियोसिटी के। अच्छा, क्यूरियोसिटी अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसके सिनोनिम में ईगर लिखोगे, ईगरनेस लिखोगे, या जीलस लिखोगे? नहीं, जीलस नहीं, क्या है ये, नाउन है ना, तो आप जीलस मत दो, जेस्ट लिखो, जेस्ट, जेस्ट लिखो, जेस्ट लिखोगे क्या? बताओ कौन सा आप चुनोगे, एक तरफ जेस्ट है, एक तरफ ईगरनेस है, एक तरफ क्यूरियोसिटी है, कौन सा भर देंगे? चलिए, कौन सा भर दोगे जल्दी से बताना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा शब्द है, जिसको आता है और जिसको इसका आंसर आता है उसको दिवाली के 100 रुपीज मेरी तरफ से। ठीक है, अभी 1 करोड़ वाले पैसे खत्म हो चुके, खूब बांट चुकी हूँ मैं, तो सिंपल सिंपल थोड़े थोड़े से पैसे, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुंच सके। ठीक है, जेस्ट, अच्छा वाह, गलत नहीं बता रहे हो जेस्ट लिख के, फिर से देख लो, क्यूरियोसिटी इज ईगरनेस और जेस्ट, जेस्ट बोल रहे हैं सारे। Inimical, boisterous, energetic, frightening, एक और नंबर लिख रही हूँ 5। ठीक है, ई लिखा हुआ ई, ठीक है, हाँ जिसका कल है फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, जो भी शिफ्ट है आप इस नंबर पे मुझे पहले बता दें तो हम लोग कॉल करेंगे आपको, जस्ट टू टॉक टू यू, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से आज बात करी, एंथुसियाज्म का बताया था, ओके okay. मैंने बोला था क्यूरियोसिटी का बताना, क्यूरियोसिटी का ईगरनेस होगा। ठीक है, चलिए, इनिमिकल क्या होता है? बॉयस्ट्रस, एनर्जेटिक, हॉस्टाइल या फ्राइटनिंग, कोई बता दिया इधर आंसर है ना, हाँ, इमिटेट, कॉपी, रेप्लिका। नेहा कहाँ है? नेहा आपका एग्जाम था आज, मैंने आज आपका नंबर बहुत ढूंढा था,
पर आपका नंबर मिला ही नहीं, और मतलब स्विच ऑफ जा रहा था लगातार, हमारी टीम आपको कॉल कर रही थी, आपका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, तो भाई आपसे बात करनी है, चांदनी का भी हुआ था, आप लोग अपना कॉल दे दीजिएगा, आज रात को बात होगी आप लोगों से, ठीक है। कैसे बात कर रही हो, तुम्हारे मॉक में सारे में पूरे मार्क्स आ रहे थे। हाँ चलिए, इनिमिकल बॉयस्ट्रस नहीं होता, एनर्जेटिक नहीं होता, हॉस्टाइल है ना, हॉस्टाइल है इन थोड़ा सा कैसा है, हार्मफुल है जो आपके लिए, एग्जैक्टली है ना, जो आपके लिए हार्मफुल है, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए एकदम तैयार बैठा है, उसको बोला जाता है, ठीक है। जिनका कल है परसों है इस नंबर पे, प्लीज आई नो यू ऑल बाय नेम, आपको भी पता है, बट फिर भी मैं भूल जाऊंगी ना, तो अगर आप इधर रख दोगे ना, क्योंकि बहुत सारे थे है ना, तो आप प्लीज इधर एक बार बता दोगे तो हम लोग बिल्कुल लिस्ट बना के आपको रखेंगे, ताकि हम बात कर सके आपसे, ठीक है। चल नेक्स्ट वन, ये रहा प्रेडिकमेंट, ठीक है, प्रेडिकमेंट, डिप्रेशन, रिवोल्यूशन, अग्रीमेंट, प्रोफेसी, क्या होगा। देखो शाह, कुछ लोगों के पेपर में आज 2019 का जीएस पूछा गया, वो करंट अफेयर पूछा गया, और कुछ लोगों के 2020 का पूछा गया, ऐसा है। चलिए हाँ विशाल बता दीजिएगा इधर पे, हाँ प्रेडिकमेंट हो गया हमारा, नहीं डिप्रेशन, रिवोल्यूशन, अग्रीमेंट और प्रोफेसी, हमें एंटोनिम बताना है अभी, प्रेडिकमेंट का एंटोनिम बताना है, जल्दी से बताइए आंसर। फोन लेट ऑन किया था, हाँ मेरे को पता था आपका, अच्छा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ इसलिए, बात तो करते यार आप मुझसे, हमारी टीम ने लगातार आपसे बात करने की कोशिश की थी। देखो डिसएग्रीमेंट होता है इसका है, तो अपोजिट बताना है, तो डिसएग्रीमेंट का अपोजिट क्या होगा, अग्रीमेंट हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, अब बहुत बातें इधर से हो गई है, अब मैं चाहती हूँ 13 क्वेश्चन हो गए, अगले जो 10 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ फोकस करो, उसके बाद हम फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो सारे लोग जल्दी जल्दी से फोकस करके, अब मैं लास्ट बार कह रही हूँ, ये नंबर है जिसका जिस दिन जिस डेट को जिस शिफ्ट में एग्जाम है, बस मुझे इस पे व्हाट्सएप कर दें, और वो नंबर दीजिएगा जिसपे मैं कॉल कर सकूं, मैं बात करूंगी। प्रोफेसी मीन्स क्या होता है, वही होता है प्रोफेसी, जो लोग प्रोफेसी करते हैं वो क्या करते हैं, प्रिडिक्शन है ना, प्रोफेसी, ठीक है। जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन, लास्ट नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे लगातार लग जाइए, कल एग्जाम है मैम, क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बस सुबह सुबह जल्दी उठना, दो अगरबत्ती भगवान को लगा देना, थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, इसलिए नहीं कि आप वहां से रिक्वेस्ट करके जा रहे हो कि प्लीज अच्छा करवा देना, उनके हाथ में कुछ नहीं है, पेपर बन चुके हैं, ठीक है, आपके हाथ में कॉन्फिडेंस अपने आप से आएगा, राइट। चलो अब इधर जी, वैल्यूएबल क्या होता है, वैल्यूएबल प्रेशियस होता है या चीप होता है या कॉमन प्लेस होता है या ऑर्डिनरी। वैल्यूएबल अगर कोई चीज है तो वो कीमती है ना, वैल्यूएबल है, कीमती है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, लाइक दैट, राइट। तो अब हमें क्या करना है, शायद एंटोनिम करना होगा, यस। तो प्रेशियस इसका सिनोनिम हो गया, ये इसका सिनोनिम, कॉमन प्लेस इज यूबिकिटस या फिर एवरीडे, जेजून काइंड ऑफ, ऑर्डिनरी ये सेम ही है ऑलरेडी, तो चीप इसका एंटो है, और एंटो हमें पूछा गया तो एंटो हम बता देंगे, ठीक है। जिस जिसका एग्जाम है, चलो अभी एग्जाम के बारे में कोई बात नहीं, अगले 10 क्वेश्चन जो है उसके बाद एग्जाम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज जीनियस। इस क्वेश्चन में जीनियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी से इतना सा बता देंगे तो आपका बहुत कल्याण हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, न्यूटन्स वर्क इन द फिजिक्स, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम, ये हमारा idiom है। idioms जो हैं आपको बिल्कुल सिंपल 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 आ जाएंगे एग्जाम में, सो टेंशन मत लीजिएगा, इसको करिए। क्लेम्स फेम एंड ऑनर, कन्वेज अ ग्रेट डील, कन्वेज अ ग्रेट डील, एडवर्टाइज हिज वर्क, डज नॉट गिव अ डिटेल, ये तो ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट हो गया। क्लेम्स फेम एंड ऑनर या कन्वेज अ ग्रेट डील अबाउट हिज जीनियस, है ना, तो अब फेम एंड ऑनर या
तो यहाँ पे स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब ये होता है ना कि उसके उसके जीनियस के बारे में बताते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। फेम एंड ऑनर होगा या फर्स्ट या सेकंड में से क्या होगा, क्या होगा? हाँ जी, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, है ना। कन्वेंस अ ग्रेट डील अबाउट हिज जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अ सी चेंज, सी चेंज का एक इडियम आता है अ रेडिकल चेंज। यानी बिग चेंज, बहुत बड़ा की दिखाई दे एकदम से, ठीक है। तो बिग चेंज, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, गोइंग नहीं कहीं भी नहीं। नेक्स्ट वन, लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड अगर पर्सन है कैसा है? लार्ज हार्टेड पर्सन है, अनहेल्दी है नहीं, ओवरवेट है नहीं, करप्ट है नहीं, जेनरस है, काइंड है, दयालु है, हेल्पफुल नेचर का है, मदद करने वाला है, काइंड हार्टेड है, बिग बिग हार्ट वाला है, बड़े दिल वाला है, सबकी मदद करने वाला है, ये सही वहां पे लिखा गया। नेक्स्ट, ये भी कॉमन चीज है, आराम से कर सकते हो, क्विकली स्पीड बढ़ जानी चाहिए आंसर करने की, बात करेंगे हम आफ्टर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एंड इवन दैट इज अननोन, अ पर्सन हु ब्लेसेस अदर्स, समवन हु कम्स डिसगाइज्ड, नो, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, शुरुआत में जिसको नहीं पहचान पाए लेकिन अच्छा था वो, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा फोर नंबर का। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, हाँ जी, ये आपका पैरा जंबल है, आप लोगों को आंसर बताना है, राइट। हाँ जी, तो देखो सी बी डी या बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा भी हो जाएगा, देखो कई बार क्या होता है जैसे बैंक में या मैं बताऊँ सीडीएस वगैरह में क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो हम पी क्यू आर एस करते हैं या हम ए बी सी डी भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जाम में क्या होता है, ए बी सी डी ई भी आ जाता है, ठीक है, ए बी सी डी ई भी आ जाता है। तो घबराना नहीं, अगर आपके एग्जाम में भी कभी ऐसा हो ए बी सी डी के साथ ई भी आ गया तो जस्ट चिल, एक लाइन एक्स्ट्रा है उसको भी जोड़ दो, और एग्जाम में क्वेश्चन से ऐसे याद है कि आप आराम से जोड़ पा रहे हो एक दूसरे को, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए पढ़ लेते हैं, ही लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ही लिखा हुआ है, इन तीनों से स्टार्टिंग नहीं होगा। सी से स्टार्ट हो रहा है कट कर दो, डी से स्टार्ट हो रहा है कट कर दो, अब हमें पता चल चुका है बी से स्टार्ट होगा। अब जैसे ही बी से स्टार्ट होगा, यूपी के एग्जाम की प्रिपरेशन में इंग्लिश नहीं आता है क्या, ठीक है। तो अभी हमारा बी से स्टार्ट होगा, द शेरिफ डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप द आइडिया ऑफ कैप्चरिंग रॉबिन हुड, ठीक है। अब इसके बाद या तो डी या फिर ए, डे इन डे आउट ही पॉन्डर्ड टू फाइंड आउट अ फुल प्रूफ प्लान टू कैप्चर रॉबिन हुड, यानी ये ही कोई और है जिसका यहाँ पर कोई मैच अच्छा नहीं है। यहाँ देखते, ही डिड नॉट डिस्कस हिज प्लान्स विद एनीवन बिकॉज ही ट्रस्टेड नोबडी, ठीक है। तो यहाँ पर डी है, और डी के बाद क्या है, ही शट हिमसेल्फ इन हिज चैम्बर, उसने अपने चैम्बर में बंद कर लिया अपने प्लान के बारे में। इन दोनों का मैच है, डीसी का पैर बनेगा बीडीसी, ठीक है, बीडीसी ए राइट आंसर, ठीक है। पैंडेमिक का क्लोज टेस्ट आया था, नो मैटर कुछ भी आ जाए, लैंग्वेज बहुत अच्छी आएगी एग्जाम में, पैसेज भी आप यू 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 कर लोगे तो कर लेना एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सिटी एग्जाम सेंटर से आपकी क्लास लाइव देख रहा हूं, एग्जाम सेंटर से गए क्यों नहीं अभी? जो लोग ऐप पे मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं सारी क्लासेस रूटीन वाइज कल से चलेगी। आज ये क्लास हमने सबको इसलिए दिया है, अच्छे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, एग्जाम बहुत सारे लोगों का हर बैच में से, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सी से ऑप्शन है, ये डी और ये ए, यानी बी से स्टार्ट नहीं है, राइट। अब देख लो यहां पर, इट वाज अ फियर्स फाइट, ऑफ कोर्स ये एक फियर्स फाइट थी, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मतलब रियली, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, मम्मी स्ट्रगल टू पुल देम, देम 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 कौन है,
पता नहीं, हट जाओ इससे, है ना। द टू चिल्ड्रन, ये है वो देम, द टू चिल्ड्रन, द लग गया यानी दो बच्चे, स्क्रैच हुए, हिट कर दिए उन लोगों ने एक दूसरे को, ठीक है। अब स्टार्टिंग कहां से होगा, डी से होगा या सी से होगा। She tried to get them to make up, but they did not listen. उन्होंने try किया कि make up कर दें, पर हुआ नहीं। तो यहाँ पर ये them किसके लिए आया है? ये इस दो children के लिए आया है कि ये them किसके लिए आया है? इन दो children के लिए, यानी D में हमारा सबसे शुरुआती है, तो इन सबको कट कर दो, D इसका right answer हो जाएगा। हो गया सबका, ठीक है, राइट। पैसेज करने के लिए क्या करें, सिर्फ पहले क्वेश्चंस पढ़ लें, अपने आप आधी समस्या का समाधान हो जाता है, उसके बाद आप जाएं उस पर तो बहुत अच्छे से। और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सामने आ गए, ये तो मार्क्स दिलाने वाले होते हैं। इनमें से तो 10 के 10 पूरे, मैंने जितने भी बच्चों से बात करी सबने बोला 10 के 10 सही है, सारे सही है, ठीक है। इसलिए डोंट एट ऑल वरी, ए बी का पैर है तो कुछ गलती हुआ है क्या उसमें, ए बी का पैर है। अच्छा पढ़ते हैं एक बारी, नहीं 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 नहीं, इसमें देखो क्या है, she tried to get them to make up, but they didn't listen, और यहां पे finally succeeded है, ठीक है, finally succeeded है, ठीक है। तो ए बी का है, बी ए का ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लो। हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट द शॉपकीपर रिक्वेस्टेड द लेडी, रिक्वेस्ट करा है यानी प्लीज दिखाई देना चाहिए, सब में प्लीज दिखाई दे रहा है, देख लो। टू हरी अप है ना, हरी अप का मतलब प्लीज के बाद हरी अप लिखा आना चाहिए, वो भी सही है। एज इट वॉज, इट वॉज मतलब इट इज कर दो, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ठीक है। विल बी आ रहा है, इज यहाँ पर है, यहाँ पे फॉर द शॉप, ये एक्टिव पैसिव में होता है। एक्टिव पैसिव में अगर सेंटेंस है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो इसका पैसिव बनेगा इट इज टाइम फॉर द क्लोज टू बी, फॉर द शॉप टू बी क्लोज, ये नहीं होगा इसका आंसर। राइट आंसर ये भी नहीं होगा, इसमें तो वॉज ही दे रखा है। इट इज कहाँ पर है, ये है, सेकेंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फिर से डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट। हाँ आपसे के डेली क्लासेस होंगी बेटा, आई वाज नॉट आउट, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, बता के गई थी मैं, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अगला वाला, द मदर सेट टू द मेड, सेट टू को हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, हैव हमारा वर्ब फर्स्ट है, देखो हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस क्या है, वर्ब है, यानी ये क्या बन गया है, ये हमारा कौन सा वो है, हैव, ये हमारा पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब वाला स्ट्रक्चर है ये वाला। तो मदर्स आक्स द मेड, आक्स द मेड, फिर वर्ब फर्स्ट से तो टू लगेगा, है ना, टू लगना चाहिए। अब देखो किसी में भी टू नहीं है, इफ वाले सारे गलत है, सारे आंसर्स गलत है वैसे इसमें, इफ वाले तो सारे गलत है, क्योंकि यहाँ पे टू लगेगा, टू हैव द चिल्ड्रन पुट अवे देयर टॉयज होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ये आएगा, सी आएगा, सब में गड़बड़ है, सब में। लास्ट वाले में एक बार देख लेते हैं, ये तो गड़बड़ है सब में, ठीक है। अगले वाले में एक बार, पिछले वाले में क्या था, टू के बाद क्लोज्ड, अरे टू बी क्लोज्ड है, टू बी क्लोज्ड, अच्छा ये, ओहो ये तो बहुत ही गड़बड़ हुई, तो ये भी सारे गड़बड़ है, इसको तो हम सिर्फ इसी को कट करेंगे, आंसर तो यही होगा, इसको कट कर दो, ये हो सकता है गलत दिया है। हाँ हाँ शारिक, आपके शिफ्ट में एक रॉन्ग था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसलिए क्योंकि चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन आए होंगे, चारों इनरेलीवेंट होंगे, तो उनमें से हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा, जैसे अभी हम अगले वाले में करने वाले, चारों गलत है, आप किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा, सारे गलत है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है ऐसे में उसको चुन दिया करो, ठीक है।
Have का टेंस तो चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. Have यहाँ पे वर्ब फर्स्ट की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या था, टू लगना था, टू के बाद वर्ब फर्स्ट आता है, इस तरीके से होना था. अब दिया नहीं है, हमें इन चारों में से एक को देखना है, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है. इसलिए ठीक है, नहीं नहीं टाइपिंग का एरर नहीं होता है इसमें, एकदम नहीं होता, ये एग्जामिनर जान करके आपको फंसाता है. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्टिव पैसिव ये, हाउ वर दे मैनेजिंग द स्कूल फॉर वन ईयर. हाउ वर लिखा हुआ है, हाउ हमारा एज इट इज आना चाहिए, ठीक है. हाउ वर दे मैनेजिंग द स्कूल, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये इस वर्ब का हेल्पिंग वर्ब पहले आता है क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में, तो हाउ द स्कूल होना चाहिए, द स्कूल फॉर वन ईयर विदाउट अ प्रिंसिपल, बिना प्रिंसिपल के कैसे मैनेज हो रहा था स्कूल, ठीक है, दे कैसे मैनेज कर रहे थे वो लोग, ठीक है. हाउ वॉज द प्रिंसिपल मैनेज, ये गलत है ना. हाउ वॉज द स्कूल मैनेज, ये ठीक है, प्रिंसिपल थोड़ी मैनेज रहा था, ये रहा बींग नहीं आए, अच्छा बींग है क्या यहाँ पर, मैनेजिंग बींग है, बींग है तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये गलत, ये गलत, राइट. ठीक है, नहीं 22 में नहीं होगा, हैड पुट नहीं होगा. नेक्स्ट वन ये पढ़ो, यहाँ पर देखो, एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन इज बीइंग हेल्ड, ये थर्ड फॉर्म, ये बीइंग. अब आपको क्या करना, हेल्ड जो वाला फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ. कहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, पिछले वाले में तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, एक्टिव से पैसिव में क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में बदल जाता है, ये एक्टिव से पैसिव है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं, समस्या नहीं, डोंट वरी, पूरा फोकस करके करो, सही होगा. नेक्स्ट वन, एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन इज बीइंग हेल्ड, ठीक है, तो दे आर होल्डिंग, ये सही है, प्रेजेंट टेंस. एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारा पैसिव है, एक्टिव करेंगे, ठीक है. एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, ये भी गलत, दे विल बी, ये भी गलत, ये तो राइट आंसर है फटाफट, ये फटाफट उड़ाने वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है. चलो यहीं तक करना था वैसे भी, अभी यहीं तक करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो. अब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने बोला था हम लोग बात करेंगे लास्ट में, तो सुनिएगा, जिन जिन का एग्जाम कल है, परसों है, नेक्स्ट डे है, उन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना है. इंग्लिश को तो फोड़ के ही आना है, क्योंकि इंग्लिश मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट बन गया है. 100 में से 100 लाने हैं आप लोगों को, बिल्कुल एकदम कम की तैयारी करनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम सेफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो मैं बता दूं, वैसे तो 75 के ऊपर ही आपका स्कोर जाएगा सेफ जो होगा, पर आपको मौका है, जीके जीएस जो है आपका, रीजनिंग जो है वो टफ आना है, या फिर ऐसा आता है, या तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पर इंग्लिश आपको पूरा देता है, ठीक है, पूरा देता है मौका कि आप एक एक क्वेश्चन को कर सकते हो. तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप 75 स्कोर मत मान के चलिए, इधर दिमाग में क्या, ये बहुत गड़बड़ चीज है, जो बिठा देते हो ना बैठ जाता है, आप दिमाग में लेके जाओगे 75 ठीक करने, बस वही रहता है दिमाग में, आप पूरे ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो स्कोर आपके आगे काम आएगा, तीनों सब्जेक्ट मिला के ही आपका एग्जाम का रिजल्ट बनेगा, सिर्फ इंग्लिश का नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा. इसलिए वैसे में बहुत जरूरी है कि सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए जाए, तो आप कोशिश करिए 95 आपके सही हो, और अब एक बार अगर आपने कोशिश कर ली, शिद्दत से ठान लिया, तो पूरी कायनात जुड़ जाएगी उसको कराने में, और कायनात की जरूरत नहीं है, इतने कॉन्फिडेंट आप रहे कि आप खुद से ही कर सके उस चीज को, ठीक है. छोड़ना है ब्लेसिंग नहीं, मेरी ब्लेसिंग से ज्यादा काम आएगा आपका कॉन्फिडेंट, रिलैक्स होके जाइएगा, एकदम चिल होके जाइएगा, एग्जाम में पेपर कुछ नहीं आने वाला, ढंग का एकदम पेपर आएगा, ऐसा कि आप उसको एकदम फोड़ के आएंगे, ठीक है, ओके. नहीं मैथ्स नहीं आता है ना रीजनिंग में, तो सारे एग्जाम में एकदम फोड़ना है सबको, ठीक है. हाँ, दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, जिसका जिस भी डेट को पेपर है प्लीज मुझे टाइम डेट पहले बता दीजिए, टाइम डेट शिफ्ट और वो फोन नंबर जिस पे आपका फोन किया जा सके, ठीक है, ठीक है. सो दैट अब कट ऑफ कितना जाएगा ये अभी बता दो. आप एग्जाम देने पे क्यों नहीं फोकस करते हो यार, आप प्लीज पूरा फोकस अपने, आपका एग्जाम में कितना मार्क्स है लास्ट में यही मैटर करेगा आपकी लाइफ में. कट ऑफ कितना गया था,
एनालिसिस क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, या कोई भी मतलब कुछ भी अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बात है, नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या रहा क्या खराब, क्या शिफ्ट इजी क्या टफ, ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने फोकस करिए पेपर पे, ठीक है। चलो सिनोनिम एंटोनिम कितने आ रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न चलता है, तीन सिनोनिम तीन एंटोनिम ऐसे आते हैं, या फाइव सिनोनिम फाइव एंटोनिम, सॉरी फाइव फाइव आते हैं, सब चीजें फाइव फाइव आती है, ठीक है। कॉमन एरर 10 आते हैं, इंप्रूवमेंट 10 आते हैं, एक्टिव पैसिव 10 आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 आता है, क्लोज टेस्ट आपका 2 10 10 का आता है, 1 5 का आता है, पैसेज आपके 2 से 3 आते हैं, एग्जैक्ट पैटर्न है उसी को कर लो, ठीक है। जिसका जितना एग्जाम हुआ है वो सब मुझे यहाँ बताएं, मैं खुद बात करूंगी, जैसा कि मैंने आज बहुत सारे बच्चों से करा था तो आप लोग भी करेगा, ठीक है, ओके। चलिए इसी के साथ इस सेशन को अब मैं खत्म कर रही हूँ, और जो लोग ऐप पे देख रहे हैं सारी क्लास कल से बिल्कुल रूटीन हो जाएगी, कल सुबह और आज रात को दो सेशन, आज रात को 10 बजे एक सेशन आने वाला है मेरा, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, खतरनाक क्वेश्चन जो कल आने वाले हैं एग्जाम में, और सुबह में वोकैबुलरी की एक क्लास होगी। दोनों सेशन अगर आपने देख लिया तो गंगा नहा लिया समझ लीजिएगा। तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, जीडी अगर आप कर रहे हो या आपका कोई दोस्त संगी साथी कोई फ्रेंड कोई भी कर रहा हो तो भाई बता देना, जीडी के सारी वोकैब एक साथ सैटरडे को करवा रही हूँ, और अगर आप जीडी नहीं कर रहे हो तो चेक करने आ जाना कि कितनी वोकैबुलरी आपकी रेडी है, क्या बाकी है क्या नहीं, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं, है ना, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। मैंने पूरा दिवाली क्लास लिया और दिवाली के जस्ट बाद मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, मैं चली गई थी, आई केम जस्ट टुडे बाय 1 o'clock, और उसके बाद मैंने बच्चों से बात करनी थी तो मैंने बात करी, इसलिए एक ही सेशन आ जा पाया, ठीक है। हाँ, फाइव फाइव सिनोनिम्स, ठीक है। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं अब सेशन को, मिलेंगे अगले सेशन में धूमधाम से रात को 10 बजे, और नहीं आओगे ना तो फिर पिटोगे फोन में घुस के सारे, ठीक है, मुझसे, तो इसीलिए तैयार रहिएगा रात के सेशन के और सुबह 9 बजे वाले सेशन के लिए, ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सभी का एग्जाम जिनका ऑल द बेस्ट, 9 बजे सुबह मिलेंगे, आप नहीं मिल पाओगे रात को 10 बजे आ जाना, ठीक है। चलिए थैंक यू। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का बता दीजिए कैसे होता है एग्जाम में, एकदम सोचना नहीं है, अपने एग्जाम में पूरा अच्छा करके जाओ, उसको फोड़ के आओ ना, एग्जामिनेशन एग्जामिनर कितना भी नॉर्मलाइजेशन लगा ले, आपने एकदम पेपर में छेद कर दिया, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास रात को 10 बजे, थैंक यू सो मच।